नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। गणतंत्र दिवस पर रीवा को डिजिटल सिटी की सौगात मिली है। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वाईफाई जियो नेट हॉटस्पॉट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा को डिजिटल सिटी की सौगात मिलना हम सबके लिए हर्ष और गौरव का विषय है। ये बात इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में इंदौर के बाद रीवा ऐसा दूसरा नगर बनने जा रहा है जहां यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुविधा से शहर के नागरिकों का आर्थिक सामाजिक उन्नयन होगा और युवाओं के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने एनएसडीसी के सांची सभागार में इनर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट सेमिनार का शुभारंभ किया। योग मानव ट्रस्ट एनएसडीसी द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार किया जा रहा है। इस अवसर पर गृह मंत्री गौर ने कहा कि प्रशिक्षण परिचर्चा व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है। योग मानव ट्रस्ट ने मानव कल्याण के क्षेत्र में देश के अनेक हिस्सों विशेषकर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में विशेष पहचान बताई है। गणतंत्र दिवस पर जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में विशेष भोज का आयोजन किया गया। विशेष भोज में बच्चों को खीर पूड़ी और लड्डू परोसे गए जिसका बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। प्रदेश के राजस्व और पुनर्वास मंत्री और सीहोर के जिला प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह ने विशेष भोज के इस आयोजन में ग्राम पचामा पहुंचे जहां उन्होंने बच्चों से भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछताछ की। स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह ने ग्रामीणों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। और दमोह जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने विशेष महिला क्लिनिक रोशनी और डायलिसिस इकाई का लोकार्पण प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बहनों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल के लिए हर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु रोशनी क्लिनिक भी 26 जनवरी से आरंभ कर दी है। अब प्रदेश के उद्यमियों को नई दिशा देने और उनके उत्पादन को निर्यात की संभावनाओं को तलाशने के लिए 29 से 31 जनवरी तक ग्वालियर में रिवर्स बायर सेलर मीट एमपी एक्सपोर्टेक 2016 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस मीट का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री यशोधराजे सिंधिया विशेष अतिथि होंगी। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्य उद्योग और रोजगार मध्य प्रदेश शासन और सीआईआई के संयुक्त तत्वाधान में ग्वालियर के एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर में होने जा रहे इस मीट में इस तरह के आयातक और निर्यातक शामिल होंगे। इसमें 25 देश के आयातक शामिल होंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबर आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारी एप्स पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।